बस ये लखानी कंपनी है, इसमें हमारे शिवालिक नगर के व्यापारी हैं काफ़ी सारे, उन लोगों का लगभग दो साल से पेमेंट बाकी है। अचानक पता लगा सितंबर में ये प्लांट बंद हो गया। हमारे व्यापारी आई माता से सुनील जी हैं, बॉम्बे स्टेशन से राजेश जी हैं, बीएन कंस्ट्रक्शन से ये मैम आई हैं, ये लोग लगातार इनके करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं कि हमारा बकाया जो है हमें वापस, हमारा पेमेंट हमें दे दीजिए, हमारी सप्लाई, इन लोगों ने माल सप्लाई किया हुआ है, 2.25 साल हो गए लगातार परेशान हो रहे हैं। या अब व्यापारी आदमी या तो अपनी दुकान पे बैठेगा, इन लोगों के चक्कर काटेगा। लगातार कितना अमाउंट होगा, अमाउंट कितना है? अमाउंट है ये आई माता का लगभग 2,75,000 रुपए के करीब का अमाउंट है, आपका बॉम्बे स्टेशन का लगभग 22,000 रुपए का अमाउंट है, और ये है अपना बीएन कंस्ट्रक्शन है, इनका लगभग 16-17 लाख रुपए का अमाउंट है, और ये सारे अमाउंट जो है ये पिछले 2-2.5 साल से पेंडिंग चले आ रहे हैं। लगातार ये आश्वासन दिया जाता है कंपनी के द्वारा कि हम अगले महीने या 15 दिन में आपका पेमेंट करा देंगे, इनको लगातार आश्वासन दिया जा रहा है कि कल शाम तक आपकी पेमेंट हो जाएगी। 3 दिन से हम लोग लगातार फॉलोअप कर रहे हैं, आखिरकार फिर हमें आज कंपनी के गेट पे आना पड़ा। व्यापारी कहाँ तक या तो अपना काम करेगा या इनसे पैसे मांगने आएगा। मांग क्या है ये बताएं। हमारी मांग ये है एज सून एज पॉसिबल आज के आज हमारे व्यापारियों का पेमेंट किया जाए, अन्यथा कल से हम लोग यहाँ दरी बिछा के बैठे। तो जीएम साहब से जैसे मिले, क्या कहा जीएम साहब? जीएम साहब ने लगातार वो फोन पे भी आश्वासन देते हैं, आज भी आश्वासन दे रहे हैं। हमने कहा आप मालिक से हमारी बात कराओ, मालिक फोन उठाने के लिए राजी नहीं है। तो अभी क्या रहेगा आगे, मतलब कहीं शिकायत करेंगे? अगर आज हमारे व्यापारियों का पेमेंट नहीं होता है तो हम पुलिस को भी FIR देंगे लिख के कि 420 का मुकदमा कायम किया जाए। लगातार व्यापारियों का शोषण हो रहा है, इनका पैसा लेके इनको पैसे नहीं दिए जा रहे, ये एक सिस्टम बन गया है यहाँ पे। इनकी पार्टीज का कुछ सप्लाई का पेमेंट है और उसकी डिटेल सारी हमने भेजी हुई है और जल्दी ही इनका पेमेंट करवा देंगे, मालिकों ने हमें यह आश्वासन दिया है। क्या पेमेंट है, मतलब किस तरीके का पेमेंट रुका हुआ है बताएं? नहीं, पेमेंट तो इनका सप्लाई का है, किसी का सप्लायर है, हार्डवेयर वाले हैं, उन लोगों का है। तो काफी समय से बता रहे हैं, मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, लेकिन नहीं, थोड़ा सा क्राइसिस चल रही है तो कंपनी में भी काम नहीं है, तो अडिडास हमारा बनाते थे हम, वो बंद हो गया जूता, तो कंपनी में काम नहीं है, तो उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। मगर अब इनकी सारी डिटेल हमने सभी की भेजी हुई है और जल्दी पेमेंट करवाने का कोशिश करेंगे। ऐसा क्या है कंपनी में कि कर्मचारी भी लगातार संघर्ष रहते हैं अपनी सैलरी को लेकर, और जो व्यापारी जिन्होंने माल सप्लाई किया वो भी आज पैसे मांग रहे हैं? कर्मचारियों का कोई संघर्ष नहीं है, कर्मचारियों को सबको पेमेंट हो चुका है, स्टाफ को भी सबको पेमेंट हो चुका है, सिर्फ कुछ पार्टीज हैं जिनका पेमेंट है और उनकी प्रक्रिया चल रही है और जल्दी ही उनका पेमेंट हम करवा देंगे। कंपनी में आप किस पोस्ट पे हैं बताएं? मैं सीनियर जनरल मैनेजर। तो आपने आगे बताया मालिक? हाँ बिल्कुल बताया हुआ है और डिटेल भी भेजी हुई है, और वो भी प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इन लोगों का भुगतान हो जाए। कितने लोगों का भुगतान है लगभग, कितने? ये तो मुझे आइडिया नहीं है, जो आए हुए हैं वो अपना बिल दे ही रहे हैं यहाँ पे, वो आप उनसे पता कर लीजिए। कितने टाइम तक हो जाएगा कुछ? नहीं देखो, अब ये तो देखो, ये तो मैं खुद प्रयास में हूँ और मालिकों को बोला भी है, जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा हम कोशिश करें।